अच्छा दोस्तों, अब मैं ले रहा हूँ ट्रेन। ये ट्रेन जो है ये सिटी सेंटर में जाती है और बेसमेंट से मिल जाती है। इसके अलावा आपके पास बसेस के भी ऑप्शन हैं जो सबसे चीपेस्ट है, बट थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है। ये सबसे एफिशिएंट है। इसके अलावा एक शटल बस है, वो इससे ज़्यादा एक्सपेंसिव है। वो डायरेक्ट जाती है, बट अगेन ट्रैफिक हो तो वो भी टाइम लगाती है। और ऑब्वियसली टैक्सीज, ये आपको जो है फर्स्ट फ्लोर पर मिल जाएंगी, बाकी सभी ये जो है बेसमेंट में। अच्छा, ये ज़बरदस्त चीज़ है। यहाँ पे आप जब स्टेशन में आते हैं बेसमेंट में, तो आप इसको स्कैन कर सकते हैं और ये आपको बता देगा कि आपकी की अट्रैक्शंस कहाँ पर हैं। अच्छा, यहाँ से आपने टिकट लेना है, डिपेंडिंग आपको कौन सी अट्रैक्शन में जाना है। इंग्लिश पे क्लिक कर दिया आपने, मुझे लास्ट स्टॉप पे जाना है, एक हमने वो ले लिया, तो भी इसमें पैसे डालते हैं तो ये आपको टिकट भी दे देगा। टिकट लेके फिर आपको ट्रेन भी दिखाता हूँ मैं। दोस्तों, ट्रेन आ चुकी है। अच्छा, ट्रेन एवरी 10 to 15 मिनट्स में आती है, और ये जो लाइन है इसका नाम सिटी लाइन है। 8 इसके टोटल स्टॉप्स हैं। मैं बिल्कुल लास्ट स्टॉप में जा रहा हूँ, आपको अंदर से भी दिखाता हूँ जब ये बाहर आ जाएंगे। अच्छा, ये जो था टिकट था, इन्होंने थोड़ा सा लिया, इसको स्कैन करके आप प्लेटफॉर्म के अंदर आ जाओ। इसको लूज़ नहीं करना, क्योंकि आपको दूसरे एंड पे इसको इंसर्ट करना पड़ेगा, उसी तरीके से आप बाहर जा सकेंगे। अच्छा, 45 बाद का इसका टिकट था, और 45 बाद रिटर्न का भी यही है, तो 45 बाद ईच वे इसका टिकट है। अच्छा, मैं आपको बता रहा था कि जो लेवल 1 से आपको बाकी बसेस और शटल बस और टैक्सी भी मिल सकती हैं। बस जो है, जैसे मैंने आपको बताया कि सबसे कॉस्ट इफेक्टिव वे है, और शटल बस जो है वो ट्रेन से एक्सपेंसिव है, बट ऑब्वियसली टैक्सी से चीप है, और टैक्सी जो है सबसे एक्सपेंसिव है। बट जस्ट कॉशन ये है कि कोई भी आप बस या शटल बस या टैक्सी लेते हैं, तो उसमें जो है अगर आप पीक आवर में जा रहे हैं, तो बैंकॉक में ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होता है, तो जस्ट मेक श्योर, ये जी अंदर की ट्रेन का हिस्सा है, तो वो मेक श्योर कि यू आर प्रिपेयर्ड, आपके पास इनफ टाइम हो अगर आपने वन दो सर्विसेज लेनी है। और बाकी अगर आपने पताया जाना है, जो एक और सिटी है यहाँ से तकरीबन 1.5 to 2 hours, तो वो भी आप लेवल 1 से उसकी उसके लिए बस या उसके लिए टैक्सी ले सकते हो। चलें गाइस, फिर आपको थोड़ा सा रास्ते का भी दिखाऊं, तो सॉरी, फिर मिलते हैं आगे। दोस्तों, पहुंच चुका हूं अपने स्टेशन पे। अबाउट 30 मिनट्स लगे इसको यहां पहुंचने में, लास्ट स्टेशन पे। बिल्कुल सिटी सेंटर है, मेरे होटल के बहुत करीब है। तो अच्छा, जो इसके टाइमिंग्स हैं इस ट्रेन के, वो सुबह 5:30 से रात को मिडनाइट तक हैं। तो उसके मिडनाइट से 5:30 पे नहीं चलती। तो अगर आपकी फ़्लाइट लेट है, तो एयरपोर्ट पे जो है होटल्स भी अवेलेबल हैं, कैप्सूल्स भी अवेलेबल हैं, तो आप आराम से वहाँ पे रुक भी सकते हैं, नहीं तो टैक्सी भी ले सकते हैं। टैक्सी का थोड़ा सा ख्याल रखिएगा। मैं यहाँ आया था तकरीबन फर्स्ट टाइम 13 साल पहले, अबाउट दैट लॉन्ग। तो मैंने रियलाइज़ करा कि वो जो टैक्सी ड्राइवर था, उसने जो है ना थोड़ा सा गेम खेलने की कोशिश करी। तो जब भी आप इधर आएँ और कहीं भी जाएँ, ऐसा होता है, हर जगह हर तरह के लोग होते हैं। जब वो देखते हैं कि आप जो है इतना आपको नहीं पता उसका जगह का, तो कभी कभी लोग, कुछ लोग एडवांटेज लेते हैं। तो गूगल मैप्स वगैरह यूज़ कर लिया करें, देख लिया करें पहले से बिफोर हैंड के कितना जो है टाइम लगना चाहिए, क्या होना चाहिए। तो जस्ट बट आई वुड अगेन, रिकमेंडेशन मेरी यही होगी कि ये ट्रेन ही लें, तो यहाँ से आप वो कर सकते हैं। जैसे इस तरह आपने डाला, ये खुल गया, आपका टिकट चला गया, तो ट्रेन लें और फिर यहाँ से आप टैक्सी ले सकते हैं। मैंने चेक किया था, यहाँ से मेरा होटल बहुत ही करीब है, अबाउट 5 मिनट्स वॉक है। थोड़ा सा जाके रेस्ट करता हूँ, फिर बाद में जाके निकलता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ कि यहाँ की कुछ चीज़ें दिखाता हूँ बैंकॉक की। ओके गाइस, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा।